सपनों का शहर, माया नगरी, टिंसल टाउन और बॉलीवुड का गढ़, मुंबई के ऐसे हजारों नाम हैं जो यहाँ आने वाले लोगों ने इसे दिए हैं। कई सपने टूटकर यही रह जाते हैं तो कुछ सपने सितारे बनकर आसमान में चमक जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही सपने की है। मुंबई की एक फाइव स्टार होटल के सामने आज सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज तैयार था और उसके सामने खड़े जर्नलिस्ट्स के चेहरे ऐसे लग रहे थे कि अपना काम करने के लिए वो लड़ झगड़ने को भी तैयार थे। बस इंतज़ार था तो आज की सेलिब्रिटी एक्ट्रेस लैला का। लैला किसी बड़े स्टार की बेटी नहीं थी और सच मानो तो लैला को आज से पहले कोई जानता तक नहीं था। लेकिन क्योंकि नेपोटिज्म और बॉलीवुड में हैरेसमेंट की बात जब उठती है तो जर्नलिस्ट का जमावड़ा सबसे पहले तैयार खड़ा रहता है। सभी जर्नलिस्ट की नज़र और कैमरा स्टेज पर इसीलिए जमी हुई थी। इंतज़ार की कड़ी अब बीतती जा रही थी कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक ऑटो रिक्शा होटल के बाहर आकर खड़ा हो गया। फाइव स्टार होटल में एक रिक्शा, बात कुछ अजीब थी, मगर जर्नलिस्ट की आंखें फटी की फटी रह गई जब लैला उस रिक्शा से उतरी। पहली हेडलाइन तो ये ही बन चुकी थी, लैला सलवार कमीज पहने बिना किसी मेकअप के उनके सामने खड़ी थी। उसका रंग थोड़ा गेहुआ ज़रूर था मगर नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत थे। वो फिर स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई और वहाँ खड़े उन लोगों को कुछ देर ऐसे ही देखती रही। कैमरा के फ्लैश और जर्नलिस्ट की भीड़ के शोर के बीच लैला ने माइक अपने पास लेकर एक गहरी सांस ली और फिर उस होटल के बैंक्वेट रूम में एकदम से शांति फैल गई। लैला की आवाज़ में हल्का आत्मविश्वास था जब उसने कहा, आप लोग शायद मुझे इतनी अच्छी तरह जानते नहीं, पर शायद उससे भी कम आप मेरी कहानी को जानते हैं, इसलिए आज मैं आपको वही कहानी सुनाने आई हूँ। हरियाणा के अंबाला से आई एक छोटे शहर की लड़की की कहानी है ये। उस लड़की का नाम लैला नहीं था, सुरवीन था। मैं सुरवीन हूँ। मुझे लैला नाम भी मुंबई ने तोहफे में दिया था। उन लोगों के कहने पर मैंने पहले अपना नाम बदला और फिर इतना सब कुछ बदल गया कि मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। इतना सब बदलने के बाद भी अगर मैं कुछ बन पाई तो बस एक विक्टिम, एक मी टू की विक्टिम, जिसके साथ वो सब हुआ जो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए था। और इस दर्दनाक सफ़र की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। ये कहते हुए लैला की आवाज़ भारी हुए जा रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। बात कुछ 2 साल पहले की है, जब सपनों की एक पोटली बांधे लैला मुंबई आई थी। एक्ट्रेस बनना चाहती थी वो। उसे इस शहर में उस नाम की तलाश थी जो उसे अब तक नहीं मिला था। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक छोटा सा कमरा ही अब उसकी दुनिया बन चुकी थी। मगर घर से जो पैसे लेकर लैला निकली थी अब वो भी लगभग खत्म हो चुके थे। और मुंबई आए उसे 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। इन 1.5 सालों में वो न जाने कितने प्रोड्यूसर्स से मिली, सैकड़ों प्रोडक्शन हाउसेज और कास्टिंग एजेंसीज पर भटकी,
पर कुछ साइड रोल्स के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं लगा। आज भी लैला अपने हाथ में अपना पोर्टफोलियो लिए एक कास्टिंग कंपनी की ऑफिस के बाहर बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रेखाएं थी, क्योंकि इस कास्टिंग डायरेक्टर के साथ उसका दूसरा राउंड था। ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ था। लैला अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस आलीशान ऑफिस को देख रही थी कि तभी सामने बैठे डायरेक्टर ने उसका पोर्टफोलियो देखते हुए एक हल्की आवाज में कहा, यार बस एक प्रॉब्लम है, ये कैरेक्टर ना एक बड़े खानदान की लड़की का है और तुम्हारा जो ये कॉम्प्लेक्शन है ना थोड़ा डार्क है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सो आई एम सॉरी यार, आई डोंट थिंक इट विल वर्क। ये सुनकर लैला ने हड़बड़ाते हुए कहा, मगर सर पिछले राउंड में तो आप काफ़ी खुश थे, आपने ही कहा था ना कि मैं कर सकती हूँ और मेकअप के साथ आप कुछ करवा लेंगे और अब आप। ये कहते हुए लैला अचानक रुक गई। टेबल पर रखे हुए एक पोर्टफोलियो ने उसका ध्यान खींच लिया था। ये किसी मॉडल का फोटो था जिसका चेहरा दूध जैसा सफ़ेद था। लैला समझ चुकी थी कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, ठीक है सर, आप शायद सही कह रहे हैं। इतना कहकर लैला वहाँ से उठी और ऑफिस के बाहर चली गई। लैला अब उस मुकाम तक पहुँच चुकी थी कि अपने सपने उसे बस एक दीवार नज़र आ रही थी और उसे लांघने की हिम्मत और ताकत उसमें ज़रा भी नहीं बची थी। उसी रात ख्यालों से सराबोर लैला अपने उस कमरे में बैठी हुई थी। खिड़की से चांद को देखते हुए कई ख्याल उसके मन में आ रहे थे कि तभी उसका फ़ोन बजा। ये फ़ोन उसकी माँ का था। ये देखकर लैला एक पल को सहम गई। उसे पता था कि उसकी माँ के उन सवालों का जवाब उसे अब तक नहीं मिला था। उसने गहरी सांस लेकर फ़ोन उठाया और एक नकली उत्साह के साथ बोली, हाँ माँ कैसी हो? अरे मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर उसमें छुपा दर्द उसकी माँ समझ चुकी थी। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, आज भी कुछ बात नहीं बनी ना बेटा। ये सुनकर लैला ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं माँ मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ, एक दो महीने में कुछ हो जाएगा, आप देखिएगा। ये सुनकर माँ ने हैरानी के साथ कहा, एक दो महीने और? मकान मालिक रोज़ आकर किराया मांगता है बेटा, अब तो आसपास वाले लोग भी अजीब बातें करने लगे हैं तेरे बारे में, तू वापस क्यों नहीं आ जाती? जिस बात का डर था वही बात लैला के सामने आ चुकी थी। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, माँ आप भी ना, मैंने कितनी बार कहा है मैं वापस नहीं आ सकती। अच्छा कुछ दिन का टाइम दो, मैं करती हूँ पैसे का इंतजाम, ओके? इतना कहकर लैला ने फोन काट दिया। ये शहर बार बार उसकी उम्मीदों को तोड़ रहा था। अगली सुबह लैला का दोस्त सूर्या उसके सामने बैठा था। लैला उसे अभी तक की सारी कहानी बता चुकी थी। उसने एक हल्की आवाज़ में बात को ख़त्म करते हुए कहा, सारे पैसे ख़त्म हो गए यार सूर्या, अगले महीने का रेंट तक नहीं दे पाऊँगी मैं, तेरे पास कुछ अगर पैसे हो तो देखना प्लीज़। ये सुनकर सूर्या ने एक हल्की आवाज़ में कहा, मेरे पास अगर पैसे होते तो अब तक तुझे दे चुका होता, फिल्मों में अब बड़े डांस नंबर्स के लिए बाहर से लोग बुलाने लगे हैं, वो फॉरेन डांसर्स, मेरे जैसे डांसर्स का तो धंधा पानी ही बंद हो गया है, अपनी कॉलोनी के बच्चों को डांस सिखा कर जैसे तैसे मैं अपना भाड़ा दे पा रहा हूँ, तू ही सोच कैसे होगा। निराशा दोनों की आँखों में बराबर थी। लैला ने उसी हारी हुई आवाज़ में कहा, अगर इस महीने कुछ काम नहीं मिला तो
तो घर वापस जाना पड़ेगा सूर्या, पता नहीं क्या होगा। लैला परेशान थी और सूर्या बेबस। आगे क्या होना था किसी को खबर नहीं थी। अगली सुबह लैला के लिए आम सुबह जैसी ही थी, कुछ परेशानियों तो कुछ उम्मीदों से भरी। लैला इस वक्त कुणाल खन्ना की ऑफिस के बाहर बैठी थी। कुणाल खन्ना इस इंडस्ट्री का एक जाना माना प्रोड्यूसर था। उसकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका ही करती थी। आज उसकी नई फिल्म का ऑडिशन था। रोल हीरोइन की दोस्त का था, जिसके लिए कई लड़कियां हाथ में पोर्टफोलियो लिए लैला के आसपास ही बैठी थी। इस ऑडिशन से कई उम्मीदें जुड़ी हुई थी, मगर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा था कि तभी अपनी लाइंस रटते हुए लैला का ध्यान एक आवाज़ से टूटा। लैला, यू आर नेक्स्ट। और लैला धीमे कदमों से चलती हुई ऑडिशन हॉल में पहुंच गई। उस कमरे में इस वक्त सिर्फ दो लोग बैठे थे, कास्टिंग डायरेक्टर मयंक शाह और उसका कैमरामैन जो सारे ऑडिशंस रिकॉर्ड किया करता था। गुड मॉर्निंग बोलते हुए मुस्कान के साथ लैला ने अपना पोर्टफोलियो मयंक को दिखाया। पोर्टफोलियो को बिना देखे ही उसने उसे सामने टेबल पर रखते हुए कहा, ये सब तो देख लेंगे, पहले तुम्हारी एक्टिंग देख लें। यह सुनकर लैला ने हामी में सर हिलाया और एक्शन बोलने के साथ ही उसका ऑडिशन शुरू हो गया। जैसे जैसे लैला अपने डायलॉग्स बोल रही थी, वैसे वैसे उस कास्टिंग डायरेक्टर के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। एक बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ चुकी थी। जैसे ही ऑडिशन ख़त्म हुआ, मयंक ताली बजाते हुए उठा और बोला, क्या बात है यार, मुझे लग रहा था अब आगे ऑडिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हीरोइन की दोस्त जो मिल चुकी है हमको। ये सुनकर लैला को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में नमी की चमक थी और होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान। उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, सर आप सच कह रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। कि तभी मयंक ने सामने बैठे कैमरामैन को इशारा किया और वो चुपचाप उठा और वहाँ से बाहर चला गया। ये बात लैला को कुछ समझ नहीं आई। मयंक ने लैला के पास आते हुए एक धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त में ये रोल दे सकता हूँ, पर मुझे भी बदले में कुछ चाहिए होगा। हाँ, ये सुनकर एक पल को लैला घबरा गई। उसने थोड़ी सहमी हुई आवाज़ में कहा, मैं कुछ समझी नहीं सर। मयंक ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस फिल्म की फीस में से आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा, और अगर तैयार हो तो रोल तुम्हारा है, नहीं तो तुम भी देख चुकी हो कि ज़्यादा कुछ नहीं बट बाहर कुछ 20-30 लड़कियां तो बैठी है। ये सुनकर लैला को कुछ समझ नहीं आया। पैसों की ज़रूरत उसे भी बहुत थी, मगर मजबूरी उसके हर फैसले के आड़े आ रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है सर, अगर 50% देना पड़ेगा तो दे दूंगी, तैयार हूं मैं। आज कुणाल की फिल्म के शूट का पहला दिन था और लैला का उतावलापन आसमान छू रहा था। उसे नहीं पता था कि इस तरह की बड़ी फिल्में कैसे बनाई जाती है। ऐसे कई ख्यालों के पुल बांधते हुए लैला स्टूडियो जा पहुंची। इस वक्त वो मनोरंजन स्टूडियो के गेट पर खड़ी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने स्टूडियो का गेट खोला और वो अंदर पहुंच ही चुकी थी कि एक पल को उसकी धड़कन तेज़ हो गई। बड़े बड़े कैमरास, 100 से भी ज़्यादा एक्स्ट्रास, फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर्स कान में ईयरफोन्स लगाए हुए यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। इस तरह का नज़ारा लैला पहली बार देख रही थी। वो उस माहौल में खोई हुई ही थी कि तभी एक आवाज़ ने उसका ध्यान तोड़ दिया। हे, आर यू एन एक्टर? सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में एक लिस्ट थी। लैला ने खुद को संभालते हुए एक कॉन्फिडेंट आवाज़ में कहा, हाँ, एक्चुअली हीरोइन की दोस्त सीमा का रोल मैं कर रही हूँ।
ये सुनकर उस लड़की ने एक नज़र अपनी लिस्ट में देखकर कहा, ओ सो यू आर अदिति। ये सुनकर लैला ने थोड़ी हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं नहीं, आई एम लैला। उस लड़की ने एक नज़र लैला को देखा और कहा, पर रोल तो अदिति कर रही है ना। ये सुनकर लैला को कुछ समझ नहीं आया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, रोल तो मुझे ही मिला था। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, देखिए आप। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और सीधे कास्टिंग डायरेक्टर मयंक को फ़ोन लगा दिया, मगर दूसरी तरफ से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। लैला को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो तेज़ कदमों से सामने बैठे प्रोडक्शन वाले के पास जा पहुंची। उसने जाते ही आवाज़ में एक उतावले पन के साथ पूछा, सर मेरा नाम लैला है, मुझे सीमा का रोल मिला था, मगर आपके लिस्ट में तो कोई अदिति का नाम लिखा है। उस आदमी ने लैला को एक नज़र ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, अच्छा तो वो तुम थी जिसने मयंक को रोल के लिए पैसे खिलाए थे। देखो, तुम जैसे लोगों को हमारे प्रोडक्शन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, रोल पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं आप लोग। ये सुनकर लैला से रहा नहीं गया। उसने भरे हुए गले के साथ समझाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया सर, वो मयंक शाह ने ही मुझसे वो पैसे मांगे थे, मैं क्या करती, मुझे तो रोल चाहिए। इस पर उस आदमी ने तपाक से कहा, झूठ मत बोलो यार, मयंक एक बहुत ही इज्जतदार कास्टिंग डायरेक्टर है, किसी और ने तुम्हें वो पैसों की बात करते हुए साफ साफ सुना था, 50% है ना, बस इतने में ही वो रोल चाहिए था तुम्हें, आज के बाद तुम कभी इस प्रोडक्शन के साथ काम नहीं कर पाओगी, समझी। ये सुनकर लैला की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो समझ चुकी थी कि किसी ने उनकी बातें तो सुनी ही थी, मगर मयंक ने खुद को बचाने के लिए लैला को बदनाम कर दिया था। लैला अब हर तरफ से हार चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी ये शिकायत करे तो किससे करे, वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी बात समझ पाता। निराशा आंखों में लिए लैला ने अपना बैग उठाया और धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर बढ़ते कदम के साथ उसने अपने इन 1.5 सालों का संघर्ष दिखाई दे रहा था। हर मोड़ पर वो हारी थी और आज जो हुआ, शायद उसके बाद तो वो कभी उठकर खड़ी भी नहीं हो पाएगी। उसके पीछे शूटिंग शुरू हो चुकी थी कि पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो लगभग भागती हुई सेट के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। कैमरा चल रहा था और उसे वहाँ देखकर सबके चेहरे पर हैरानी थी। 2 सिक्योरिटी गार्ड लैला की ओर भागे, मगर उसके पहले ही लैला ने चीखते हुए कहा, चोर हो तुम सब, चोर, लोगों की करियर्स उनसे छीन लेते हो। ये कहते हुए उसकी नज़र पीछे बैठे कुणाल खन्ना पर पड़ी। वो चुपचाप एक काला चश्मा लगाए अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखकर लैला का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। कुणाल को देखते हुए लैला ने फिर उसी आवाज में कहा, मेरे जैसे नए लोग तुम्हारे जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स के सामने बोलने तक से कतराते हैं, मगर मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया आज, इसलिए कह रही हूं कि तुम ही हो जो इस इंडस्ट्री को अपनी जायदाद समझते हो, तुम आउटसाइडर्स से उनकी जान, उनके सपने सब छीन लेते हो। ये जिसे तुम इंडस्ट्री कहते हो, हैरेसमेंट और फायदा उठाने की फैक्ट्री है ये, सब लोगों का बस फायदा उठाना चाहते हो आप लोग, और हम लोग बस मजबूरी में पिसते जाते हैं, जैसे आज मेरे साथ हुआ। वो रोल मेरी जिंदगी था, लेकिन मुझे एक झटके में हटा दिया। मैं करप्ट नहीं हूं खन्ना साहब, वो मयंक शाह करप्ट है, उसने मुझसे पैसे मांगे, उसके बाद भी कीमत मुझे ही चुकानी पड़ी, इस बार मेरी मजबूरी थी, कभी तुम्हारी रही होगी कुणाल जी, और हाँ बस जा रही हूं मैं ये काम, ये शहर छोड़कर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग मिस्टर कुणाल खन्ना, शेम ऑन यू। ये कहते हुए
लैला हाफ रही थी। उस स्टूडियो में बैठे हर इंसान की नज़र उस पर टिकी थी। सन्नाटा हवा में फैल चुका था। इसी बीच लैला ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। रात हो चुकी थी और आज का वो मंजर लैला की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। कल रात इसी वक्त कितनी खुश थी वो, अगले दिन शूट की बात से मुस्कुरा रही थी, मगर आज उसकी आंखों में आंसू थे और वो इस वक्त अपने कमरे में बैठी अपना सामान पैक कर रही थी। सूर्या सामने बैठा उसे उदासी के साथ देख रहा था। वो उसके लिए दुखी था, मगर कुछ भी कर पाना उसके भी बस में नहीं था। कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था कि तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता था? लैला और सूर्या के चेहरे पर यही सवाल था। लैला ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने वही प्रोडक्शन वाला आदमी खड़ा था। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही लैला ने चिढ़ के साथ कहा, क्या चाहिए अब, किसने भेजा है तुम्हें? ये सुनकर उस आदमी ने चेहरे पर गलती का भाव लाते हुए कहा, वो कुणाल सर ने भेजा है, वो मिलना चाहते हैं आपसे कल सुबह उनकी ऑफिस में, अगर मिल सकता है तो। हाँ, ये सुनकर हैरानी की एक लहर लैला के शरीर में दौड़ गई। मगर कल सुबह तो मेरी ट्रेन है, मैं जा रही हूँ फिर अपने गांव। ये कहते हुए लैला एक सोच में पड़ गई। सूर्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा प्रोड्यूसर लैला से क्यों मिलना चाहता था। लैला ने उलझन भरी आँखों से एक नज़र सूर्या को देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या करूं, टिकट कैंसिल करवा दूं क्या? मगर सूर्या के चेहरे का भाव और खामोशी से साफ था कि इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। उस 5-स्टार होटल में सारे जर्नलिस्ट लैला की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसने अपनी बात ख़त्म करते हुए एक सहमी हुई आवाज़ में कहा, उस रात अपने गांव जाना या ना जाना, ये फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन चुका था। बस वो एक फैसला तय करने वाला था कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इन टू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफ़एम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफ़एम पर जाते रहो।